Hello guys, this is Neha Kandpal once again with you with the second chapter of 5th class, which is Latitude and Longitudes. So, I hope आपने जो मैंने इस chapter के word meanings share किए थे आपके साथ वो कर लिए होंगे, और अगर नहीं किए हैं तो सीरियस हो जाओ अपनी पढ़ाई को लेकर, और अब वर्ड मीनिंग्स और जो भी होमवर्क आपको दिया जाता है प्लीज़ एंड प्लीज़ वो करिए, ताकि और करने के बाद, सिर्फ करना नहीं है, करने के बाद व्हाट्सएप में सेंड भी करना है, ताकि मुझे पता तो चले कि हम इतनी मेहनत से जो ये वीडियोस आपके लिए बना रहे हैं, घर बैठे आपको पढ़ा रहे हैं, तो वो आप कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो. और देखो, जब आप स्कूल आते थे तो सब आपके पास 8 से 2 का टाइम होता था, और 8 से 2 के टाइम में भी आप के ऊपर बहुत सारे टीचर्स होते थे जो आपको एक मिनिमम टाइम दे देते थे या मैक्सिमम टाइम दे देते थे जिसमें आपको काम करना होता था. अब ऐसा नहीं है, तो गाइस बी सीरियस, अपना काम करो और मुझे सेंड करो, और कुछ कमेंट भी करो, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे. तो चलो शुरू करते हैं आज का चैप्टर. हम सबको पता है कि जो हमारी पृथ्वी है वो एक स्पिनिंग क्षेत्र की तरह है, और जो ग्लोब है वो हमारी अर्थ का एक छोटा सा मॉडल है. अब जो ग्लोब का एक्सिस होता है, जिसे धुरा कहते हैं हिंदी में, तो जिस पर वो घूमता है पृथ्वी की धुरी जैसा दिखता है. इस तरह जो ग्लोब है वो एक इमेजिनरी लाइन को फॉलो करता है और उसी के चारों ओर घूमता है, ठीक है, और इसे क्या कहते हैं, पृथ्वी का एक्सिस यानी कि धुरी. तो अब जो ये अक्ष है, इसके दो अंत बिंदु होते हैं, ठीक है. एक बिंदु जो होता है वो क्या करता है, शीर्ष उत्तर को दिखाता है, और जो सबसे नीचे वाला होता है वो दक्षिण को दिखाता है. और जब हम ग्लोब को देखते हैं तो हम इन्हीं दो सर्कल्स के अकॉर्डिंग देखते हैं. और देखो, तो जो इस तरह की लाइंस होती हैं जो ऊपर से लेकर नीचे तक होती हैं, इनको हम बोलते हैं लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड. और जो एक लाइन होती है जो सर्कल की तरह होती है, इनको हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड्स, ठीक है. इस मैंने आपको पिक्चर के माध्यम से इसलिए दिखाया ताकि आपको क्लियर हो जाए कि देखो जो लॉन्ग है, लॉन्ग मतलब लॉन्गिट्यूड्स, और जो लेटी हुई लाइन है वो है लेटिट्यूड्स, ठीक है, इससे याद हो जाएगा आपको. अब हम बात करते हैं, तो देखो जो हम बात करते हैं, जो लाइंस ऑफ लेटिट्यूड जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं, और जो लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड होती हैं वो मेरिडियंस होती हैं, ठीक है, जिनको मेरिडियंस वगैरह भी कहते हैं. मैंने आपको पिक्चर से दिखाया है कि कैसे लॉन्गिट्यूड्स कौन होती हैं और लेटिट्यूड्स कौन सी होती हैं, तो आप ना इसमें बिल्कुल कन्फ्यूज मत होना, ठीक है. लॉन्गिट्यूड मतलब लंबी, लेटिट्यूड यानी कि लेटी हुई लाइन, ठीक है. अब जो इक्वेटर है, ठीक है, इक्वेटर क्या होता है, एक इमेजिनरी लाइन है जो अर्धवृत्त का मतलब जो हमारे वो है ग्लोब है या अर्थ है उसको हाफ कर देती है, ठीक है. और जो इसे हिंदी में भूमध्य रेखा कहते हैं, और ये काल्पनिक रेखा है, ठीक है, कोई ऐसी रेखा नहीं है, जो क्या करती है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीचों बीच होती है और उनको हाफ कर देती है, और इससे क्या होता है, पृथ्वी जो है दो बराबर हिस्सों में बट जाती है. और जो रेखा उत्तरी ध्रुव के बीच और क्षेत्र को होती है उसे हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और जो नीचे वाले को होता है उसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, ठीक है. अच्छा, अब जो ये लाइंस हैं इनको हम और ज़्यादा जानने के लिए क्या करते हैं, इनको ना एंगल्स में डिवाइड कर देते हैं. तो जो भूमध्य रेखा से उत्तर के अक्षांशों की जो रेखाएं होती हैं उनको 1 डिग्री नॉर्थ से और 90 डिग्री नॉर्थ तक नाम दे दिया जाता है. इसी प्रकार जो है बाकी की जो लाइंस होती हैं उनको 1 डिग्री से 90 डिग्री साउथ और ऐसे करके नाम दे देते हैं. देखो अभी हम देखते हैं पिक्चर में, तो ये देखो नॉर्थ पोल जो है ये 90 डिग्री, साउथ पोल जो 90 डिग्री, जो बीच आने वाली लाइन है उसको 1 से लेकर 90 के बीच में हम डिवाइड कर देते हैं अपनी सुविधा के लिए, ठीक है. अब ऐसे ही देखो, जो नॉर्थ की तरफ लाइन होंगी, ठीक है, उसको हम क्या कर देंगे, 1 डिग्री नॉर्थ या 2 डिग्री नॉर्थ, 23 डिग्री नॉर्थ, ऐसे करके, ठीक है. और साउथ की तरफ जो होंगी लाइंस उनको ऐसे ही. इनको टोटल मिलाकर कितनी लाइंस होती हैं हमारे पास, जो मैं अभी इमेजिनरी लाइंस होती हैं हमारी, उनको मिलाकर हमारे पास होती हैं टोटल, देयर आर टोटल ऑफ 180 लाइंस ऑफ लेटिट्यूड, ठीक है. तो लेटिट्यूड की जो लाइन होती हैं वो कितनी होती हैं, 181 इमेजिनरी लाइंस. तो अब देखो, हम 4 इंपॉर्टेंट लेटिट्यूड्स होते हैं जो क्या होते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हम कर्क रेखा भी बोलते हैं, तो हिंदी छोड़ो, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितनी होती है, 23.5 डिग्री नॉर्थ. ये याद रखने वाली बात है, एग्जाम में भी आती है. और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कितना है, वो होता है हमारा 23
63.5 degree south, और ऐसे ही आर्कटिक सर्कल हमारा होता है 66.5 degree north, और अंटार्कटिक सर्कल हो गया हमारा 66.5 degree south. ये सब इमेजिनरी लाइन होती है, इनको सिर्फ हमने अपनी सुविधा के लिए बनाया होता है. तो आज की वीडियो में बस इतना ही. आई होप आपको इतना समझ में आया होगा. नहीं आया था तो एक बार और देखिए, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल चैप्टर है, मैं खुद भी बोल रही हूँ. और बस जो पिक्चर समझाई है, जो मैंने वैसे समझाया है, उसको आप दो बार देखिए, और दो बार देखने के बाद जो भी नहीं समझ में आ रहा वो मुझे व्हाट्सएप करके पूछिए, ठीक है. और अपना जो होमवर्क है, मुझे ये पिक्चर्स चाहिए आपकी, जितने भी मैंने यहाँ पे ग्लोब लैटिट्यूड लॉन्गटीट्यूड जो भी मैंने आपको शो किया, और उसके बाद जो 90 डिग्री वाली जो पिक्चर्स बनाई, ये आपको नोटबुक में बनानी है, और उसके बाद मुझे दिखानी है कि ये क्या शो कर रहा है, ठीक है. आई एम वेटिंग फॉर योर होमवर्क. थैंक यू.